और उसमें जो घालमेल इन्होंने मचाया है भारत के बारे में जो भी बकैती करने से पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि हामिद जी पहले आपको पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए। क्या कारण है कि आपके यहाँ पर कोई हुकूमत एक भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती? पहले आपकी हुकूमत एक कार्यकाल तो पूरा कर ले, आप ये तो बता दें किसी तरह दुनिया को कि आपके यहाँ पर जमहूरियत है। भाई कैसी जमहूरियत है आपके यहाँ पर कि अभी तक एक भी हुकूमत पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है? सेना कभी तख्ता पलट कर देती है, कभी कोई और कारण बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं सेना का हाथ तो इस बार भी रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्लोबल रिपोर्टर का अंतर्राष्ट्रीय चर्चा मंच। मेरा नाम है आदित्य सिंह। आज हम बात करेंगे देवरानी जेठानी जैसे हमसे जलन रखने वाले अपने प्रिय पड़ोसी मुंगेरी लाल यानी पाकिस्तान और उनके खबरिया नमूने के बारे में। मुंगेरी लाल का रेफरेंस यहाँ सिर्फ इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान आज भी गजवाए हिंद जैसे ख्वाब देख रहा है, वो भी दिन में। मजबूरी है भाई, बेरोजगारी भी तो इतनी है वहाँ पर। पाकिस्तान के खबरगाह रियासत की बेताज साम्राज्ञी द क्राउन क्वीन ऑफ नॉनसेंस डॉक्टर फिजा अकबर खान BA LLB FRCS फ्रॉम लाहौर, लंदन नहीं है, लाहौर है। इनको इनके जन्नातों ने खबर दी है कि भारत में मोदी जी मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, कश्मीर में फौज रोज़ाना लाखों कश्मीरियों को मार रही है, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। बीबी, अगर मुसलमान रोज़ाना कश्मीर में मारे जा रहे होते लाखों की संख्या में तो आज कश्मीर में कोई भी नहीं होता, और जो घर तोड़े गए हैं ना वो इल्लीगल इंक्रोचमेंट की वजह से तोड़े गए हैं, और इसमें हर धर्म के लोगों के घर टूटे हैं, समझ आई? खैर भैया, आज मेरा मन नहीं है भैंस के आगे बीन बजाने का, तो आप ये वीडियो देखिए फिर करते हैं चर्चा चाय पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को उनकी हलफबरदारी के चंद मिनटों के अंदर ही मुबारकबाद पेश करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा कि भारत दहशतगर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का खाहां है। शहबाज शरीफ ने भी अपने एक बयान में भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और अमन की बात कही थी, मगर सवाल ये कि क्या मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन अमान के बयान हकीकी रूप धार सकेंगे? माजी में नवाज शरीफ ने भी भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मसला कश्मीर पर बात भी की, मगर मजलूम कश्मीरी आज भी भारतीय जुल्म जबर का शिकार है, निहत्ते कश्मीरियों को आज भी मारा जा रहा है, और जब तक ये मसला हल नहीं होता भारत के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम किए जाना नामुमकिन नजर आता है। कश्मीर तो कश्मीर, खुद भारत भी मुसलमानों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। भारतीय सूबे मध्य प्रदेश की इंतजामिया ने रामनवमी के जुलूस पर मुबैना पथराव के इल्ज़ाम में मुसलमानों के दर्जनों मकानात दुकानें मिसमार कर दी। अच्छा, दूसरी जानब गुजरात में एक बार फिर तसादुम के वाकयात पेश आए जिसमें भारतीय पुलिस के तशद्दुद से दर्जनों मुसलमान शदीद जख्मी हो गए, जबकि कई की हालत अब भी तशवीशनाक है। एटमी कुव्वत के हामिल दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात गुज़श्ता कई बरसों से कशीदा हैं, क्या इस कशीदगी का खात्मा अब मुमकिन हो सकेगा? इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है। भारत से दुबे जी, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और पाकिस्तान से हामिद खान अलमशरकी, बहुत शुक्रिया आपका हामिद ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी हामिद, के भारतीय इस्टेब्लिशमेंट में एक आम तासुर यह रहा है कि पाकिस्तान का शरीफ खानदान हमेशा से ही भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का हामी रहा है। शहबाज शरीफ ने आखिरी बार भारत का दौरा दिसंबर 2013 में किया था, और इस वक्त उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर तआवुन ताल्लुकात के लिए एक रोड मैप पर भी काम किया था, लेकिन वो एक अलग दौर था जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, जो मसला कश्मीर हल करने के साथ ही तमाम पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात की कोशिश भी कर रहे थे। अब चूंकि मोदी हुकूमत है, उसके बिल्कुल बरक्स पॉलिसियों पर अमल पैरा है, तो क्या मोदी सरकार अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाएगी? हामिद, आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे ताल्लुकात? थैंक यू वेरी मच फिजा। देखें, बात यह है कि मौजूदा मोदी सरकार से चाहे शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए या कोई भी आ जाए, आप किसी खैर की तवक्को ना रखें। उसकी वजह यह है कि मोदी सरकार जो है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है, खसूसन ये जो पांच रियासतों के इंतखाबात हुए और इनमें इनको जीत मिली, इससे तो अब ये बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए हैं, और पाकिस्तान के साथ जो इनके जिस तरह के ताल्लुकात ये चाहते हैं
वो नामुमकिन है, क्योंकि कश्मीर के मसले के बगैर, कश्मीर की आज़ादी के बगैर पाकिस्तान का किसी भी सूरत भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल तो हो ही नहीं सकते। अगर मोदी सरकार ये सोचती है कि नवाज शरीफ के आने से उनकी कोई दोस्ती सी कोई पींगे बढ़ा सकेंगे और वो दोबारा कोई शादियां अटेंड कर सकेंगे, तो मैं नहीं समझता कि अब वो सूरत हाल है और उससे पाकिस्तान की आवाम को कोई लेना देना नहीं है। फिजा, बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम, फौज और सब इदारे एक पेज पर हैं, और वो ये है कि मसला है कश्मीर का हल उमंगों के मुताबिक होना है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ होना है, हक़ खुद इरादियत के साथ होना है। कश्मीर कल भी आजाद होना था, कश्मीर आज भी आजाद होना है, जितना मर्जी अरसा भारत कब्जा करके रख ले, एक दिन कश्मीर ने आजाद होना है और कश्मीर की आजादी को भारत ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। ये मतलब अगर सोचेंगे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कोई बड़े अमन के स्टेप ले सकेंगे, तो मोदी की तरफ से हमें कोई खैर की उम्मीद नहीं। और शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा स्टेटमेंट कैटेगोरिकली कहा है कि कश्मीर के आजादी के बगैर या कश्मीर के मसले के हल के बगैर दोनों ममालिक में नॉर्मल ताल्लुकात नहीं हो सकते। और अभी ये जो जुल्म शुरू किया है इन्होंने राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, इन्होंने तो मतलब अपना जो मैं बार बार कहता हूँ कि 25-26 करोड़ मुसलमानों को इन्होंने भेड़ बकरियां और कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर दिया है और इनको इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो छोटी जातों के साथ जो ये कुछ कर रहे हैं, निचली जातों के साथ धड़ाधड़ निचली जातों में इस्लाम फैल रहा है, धड़ाधड़ उनको इस्लाम में अपना शेडो नजर आ रहा है, साया नजर आ रहा है, और निचली जातों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि खुद भारत के अंदर बहुत बुरे हालात आने वाले हैं इनके अपने जुल्म की वजह से। ये भारत को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। ठीक है हामिद, आपकी बातों का जवाब लेंगे दुबे जी से। जी दुबे जी, फिजा हामिद जी ने इतनी सारी बातें बता दी और उसमें जो घालमेल इन्होंने मचाया है भारत के बारे में जो भी बकैती करने से पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि हामिद जी पहले आपको पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए। क्या कारण है कि आपके यहाँ पर कोई हुकूमत एक भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती? पहले आपकी हुकूमत एक कार्यकाल तो पूरा कर ले, आप ये तो बता दें किसी तरह दुनिया को कि आपके यहाँ पर जमहूरियत है। भाई कैसी जमहूरियत है आपके यहाँ पर कि अभी तक एक भी हुकूमत पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है? सेना कभी तख्ता पलट कर देती है, कभी कोई और कारण बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं सेना का हाथ तो इस बार भी रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप अपने देश की चिंता करने की बजाय भारतीय मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं और भारतीय मुसलमानों के नेता ओवैसी पहले ही आप भारत के अंदर बहुत बुरे हालात आने वाले हैं इनके अपने जुल्म की वजह से। ये भारत को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। ठीक है हामिद, आपकी बातों का जवाब लेंगे दुबे जी से। जी दुबे जी, फिजा हामिद जी ने इतनी सारी बातें बता दी और उसमें जो घालमेल इन्होंने मचाया है भारत के बारे में जो भी बकैती करने से पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि हामिद जी पहले आपको पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए। क्या कारण है कि आपके यहाँ पर कोई हुकूमत एक भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती? पहले आपकी हुकूमत एक कार्यकाल तो पूरा कर ले, आप ये तो बता दें किसी तरह दुनिया को कि आपके यहाँ पर जमहूरियत है। भाई कैसी जमहूरियत है आपके यहाँ पर कि अभी तक एक भी हुकूमत पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है? सेना कभी तख्ता पलट कर देती है, कभी कोई और कारण बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं सेना का हाथ तो इस बार भी रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप अपने देश की चिंता करने की बजाय भारतीय मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं और भारतीय मुसलमानों के नेता ओवैसी पहले ही आपको संदेश दे चुके हैं कि आपको हमारे यहाँ के मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ सुनने की जरूरत नहीं कि भारत में क्या हो रहा है। भारत का मुसलमान बेहद खुश है और सरकारें बदलने में भी सक्षम है, भारत का मुसलमान वोट देता है, लोकतंत्र भारत में कायम है, जमहूरियत। अच्छा हामिद, आपकी तरफ आती हूँ, लेट हिम कंप्लीट, दुबे जी की बात खत्म हो जाए। हामिद आपकी तरफ मैं आती हूँ, आपसे जवाब लेना, आप दोनों गेस्ट हैं आज, दुबे जी की बातों का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। जी 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 दुबे जी, फिजा जी हमें दुनिया से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि लोकतंत्र हमारे यहाँ कायम है। अगर सरकार
हमारे मन मुताबिक काम नहीं करती तो हम सरकार बदल सकते हैं? हमारे यहाँ सेना को ये अधिकार नहीं, जनता को अधिकार है कि वो सरकार बदल सके। पाकिस्तान जैसा हाल नहीं, ऐसा नहीं कि कोई हनी ब्रिज बना दे। आपके यहाँ तो सुना है जो नए आपके राष्ट्राध्यक्ष आए हैं वो हनी ब्रिज भी बना देते हैं। भाई ऐसी रईस ज्यादापन और ऐसा मनमानापन हमारे देश में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप नरेंद्र मोदी की बात करें, आप राहुल गांधी की बात करें, आप किसी की भी बात कर ले, लेकिन आपके यहाँ से संबंध बेहतर बनाने की बात की जा रही है। और सबसे पहले कश्मीर का इस्तीफा दिया जा रहा है, तो जनता को आप कश्मीर के नाम पर कब तक भ्रमित करेंगे? इकोनॉमी बेहद खराब है, इकोनॉमी की चिंता कीजिए। जाते जाते इमरान इकोनॉमी के बारे में कितनी सारी बातें बताकर गए हैं। इमरान बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलकर गए हैं। आपको भारत से सीख लेने की जरूरत है। अच्छा, इकोनॉमी, एक मिनट इकोनॉमी की बात आप कह रहे हैं दुबे जी, एक मिनट इकोनॉमी के हवाले से मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक मिनट ठहरे, मेरी बात सुने। इकोनॉमी हर मुल्क को बेहतर करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आप के साथ, भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अगर बात होगी तो कश्मीर का मसला तो डिस्कस होगा, क्योंकि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप लोग काबिज है वहां पर। कश्मीर का मसला हल के बगैर आप लोगों से बात कैसे होगी? इकोनॉमी एक अलग सब्जेक्ट है। इकोनॉमी में तो जितनी डिबेट करें, मैं कहती प्रोग्राम्स कम पड़ जाएं, लेकिन मतलब मईशत बेहतर करने की किसी को फिक्र नहीं होगी। लेकिन पाक भारत ताल्लुकात की जब बात होगी उसमें एक मईशत से पहले कश्मीर की बात होगी। मैं एक और बात, जी हामिद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी तरफ आती हूँ। जी हामिद, हामिद, कश्मीर पे बात के बगैर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात कैसे हो सकती है, जरा आप मुझे समझा दें। फिजा जी, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। जब भी कोई नया राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसके पास में कश्मीर के अलावा बोलने के लिए क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में क्या सारे मसले खत्म हो चुके हैं? क्या मौलिक समस्या कश्मीर है? और कश्मीर कोई समस्या नहीं है, कश्मीर को एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है और सत्ता में आने के लिए प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। कभी कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, के नाम पर चुनाव नहीं। के जज्बात हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे जज्बात उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज भी कुछ ईद होते हैं तो पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है। हाँ, कश्मीर में आज भी कुछ ईद होता है, पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है उसको। अभी कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है नई सरकार बने हुए पाकिस्तान में, आपको आने वाला वक्त बता देगा। और अगर ये सरकार कार्यकाल वैसे पूरा मुझे नहीं लगता कि कर पाएगी, जिस तरह की ये कॉकटेल सरकार बनी है, और अगर ये पूरा कर भी ले तो भी चुनाव नजदीक आने वाले हैं, बहुत कुछ करने के लिए है नहीं अब आपके राष्ट्राध्यक्ष के पास भी। देखें, अब मैं बता, अच्छा जी, जी हामिद दुबे, जहां तक बात है हमारी सरकार बनने की और नई सरकार की, हम एग्री करते हैं ये शॉर्ट टर्म है, अभी इलेक्शन आएंगे, जनता के पास जाएंगे, नया इलेक्शन होगा और परमानेंट सरकार आ जाएगी, एग्री करता हूँ। जहां तक आप बात करते हैं ना, बार बार मैं इंडियन चैनल्स पे भी देखता हूँ कि जी लोकतंत्र वहां पर बड़ा मजबूत हो गया है और जनाब ये है तो आपका जो संविधान है वो सारा कुछ है। मैं आपको दो बातें आपको बता दूं, जब से मोदी आए हैं ये लोकतंत्र नहीं रहा वहां पर फासिस्ट गवर्नमेंट हो गई है। जब से मोदी आए हैं आपका संविधान जो है वो सेकुलर नहीं रहा, बल्कि वो हिंदुत्वा का संविधान बनने जा रहा है जिसके अंदर माइनॉरिटीज के लिए कोई राइट्स नहीं। जब से मोदी सरकार आई है आपके यहाँ जनता की कोई बात नहीं सुनी जाती, बल्कि सिर्फ आरएसएस के गुंडों की बात सुनी जाती है। जब से मोदी सरकार आई है आपके योगी, आपके अमित शाह और आपके मोदी की जो ट्राइंगल है वो मुल्क को मैड कर रही है, अंधे कुएं की तरफ ले जा रही है। हम कश्मीर की बात इसलिए करते हैं कि कश्मीर हमारे 80 लाख कश्मीरियों के दिल हमारे साथ धड़कते हैं। आप बारह बारह आप नरेंद्र मोदी की बात करें, आप राहुल गांधी की बात करें, आप किसी की भी बात कर ले, लेकिन आपके यहाँ से संबंध बेहतर बनाने की बात की जा रही है। और सबसे पहले कश्मीर का इस्तीफा दिया जा रहा है, तो जनता को आप कश्मीर के नाम पर कब तक भ्रमित करेंगे? इकोनॉमी बेहद खराब है, इकोनॉमी की चिंता कीजिए। जाते जाते इमरान इकोनॉमी के बारे में कितनी सारी बातें बताकर गए हैं। इमरान बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलकर गए हैं। आपको भारत से सीख लेने की जरूरत है। अच्छा, इकोनॉमी, एक मिनट इकोनॉमी की बात आप कह रहे हैं दुबे जी, एक मिनट इकोनॉमी के हवाले से मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक मिनट ठहरे, मेरी बात सुने। इकोनॉमी हर मुल्क को बेहतर करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आप के साथ, भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अगर बात होगी तो कश्मीर का मसला तो डिस्कस होगा, क्योंकि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप लोग काबिज है वहां पर। कश्मीर का मसला हल के बगैर आप लोगों से बात कैसे होगी?
इकोनॉमी एक अलग सब्जेक्ट है, इकोनॉमी में तो जितनी डिबेट करें मैं कहती हूं प्रोग्राम्स कम पड़ जाएं, लेकिन मतलब मईशत बेहतर करने की किस मुल्क को फिक्र नहीं होगी, लेकिन पाक भारत ताल्लुकात की जब बात होगी उसमें एक मईशत से पहले कश्मीर की बात होगी। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, जब भी कोई नया राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसके पास में कश्मीर के अलावा बोलने के लिए कुछ क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में क्या सारे मसले खत्म हो चुके हैं? क्या मौलिक समस्या कश्मीर है? और कश्मीर कोई समस्या नहीं है, कश्मीर को एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है और सत्ता में आने के लिए प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। कभी कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर के नाम पर चुनाव नहीं करेंगे। जज्बात हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे जज्बात उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज भी कुछ ईद होते हैं तो पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है। हाँ, और कश्मीर में आज भी कुछ ईद होता है, पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है उसको। अभी 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 कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है नई सरकार बने हुए पाकिस्तान में, आपको आने वाला वक्त बता देगा। और अगर ये सरकार कार्यकाल वैसे पूरा मुझे नहीं लगता कि कर पाएगी जिस तरह की ये कॉकटेल सरकार बनी है, और अगर ये पूरा कर भी ले तो भी चुनाव नजदीक आने वाले हैं, बहुत कुछ करने के लिए है नहीं अब आपके राष्ट्राध्यक्ष के पास भी। देखें अब मैं बता, अच्छा जी हामिद दुबे, जहां तक बात है हमारी सरकार बनने की और नई सरकार की, हम एग्री करते हैं ये शॉर्ट टर्म है, अभी इलेक्शन आएंगे, जनता के पास जाएंगे, नया इलेक्शन होगा और परमानेंट सरकार आ जाएगी, एग्री करता हूँ। जहां तक आप बात करते हैं ना, बार बार मैं इंडियन चैनल्स पे भी देखता हूँ कि जी लोकतंत्र वहां पर बड़ा मजबूत हो गया है और जनाब ये है तो आपका जो संविधान है वो सारा कुछ है। मैं आपको दो बातें आपको बता दूं, जब से मोदी आए हैं ये लोकतंत्र नहीं रहा वहां पर, वहां पर फासिस्ट गवर्नमेंट हो गई है। जब से मोदी आए हैं आपका संविधान जो है वो सेकुलर नहीं रहा, बल्कि वो हिंदुत्व का संविधान बनने जा रहा है जिसके अंदर माइनॉरिटीज के लिए कोई राइट्स नहीं। जब से मोदी सरकार आई है आपके यहाँ जनता की कोई बात नहीं सुनी जाती, बल्कि सिर्फ आरएसएस के गुंडों की बात सुनी जाती है। जब से मोदी सरकार आई है आपके योगी, आपके अमित शाह और आपके मोदी की जो ट्राइंगल है वो मुल्क को मैड कर रही है, अंधे कुएं की तरफ ले जा रही है। हम कश्मीर की बात इसलिए करते हैं कि कश्मीर हमारे 80 लाख कश्मीरियों के दिल हमारे साथ धड़कते हैं। आप 12-12 14-14 साल के लड़कों को, क्रिकेट खेलते हुए लड़कों को आप अगवा करते हैं, उनको गोलियां मारते हैं। आपने 14,000 स्टूडेंट्स को जेल में रखा हुआ है। आपने पिछले 3 साल में जब से 370 उतारी है, आपने 40 लाख लोगों को फेक डोमिसाइल दे दिए हैं। आप सोचते हैं कि आप इसराइल का मॉडल कॉपी कर लेंगे, वहां पर पत्थर मारने के बहाने बनाकर आप लोगों के घरों को जला रहे हैं, आप जनाब लोगों को जिंदा जला रहे हैं। आप कैसे कहते हैं कि मुसलमान वहां का खुश है? वहां का मुसलमान तो दबा हुआ है, पिसा हुआ है। जो आपके कठपुतली मुसलमान लीडर है, मैं उनको लीडर नहीं मानता, लीडर थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, लीडर थे अल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, लीडर थे अलामा मशरकी, लीडर थे लियाकत अली खान, लीडर थे नवाब बहादुर यार जंग। अब आपको मैं बताऊं कि आइंदा अगली जो नस्ल आ रही है मुसलमानों की, वो इंडिया से लीडर ही पैदा करेगी और वो ही बगावत करेंगे। आपने बहुत अरसा जो है वो जुल्म कर लिया और मोदी के 7 साल जो है वो गोरबाचोव के 7 साल साबित होंगे, ये मैं आपको बता दूं। जी दुबे जी, दुबे जी अजी आप बोलिए, अब आपकी बारी है। जी दुबे जी, मैं तो अब बारी से बात कर रहा हूं। हामिद जी, बगावत तो बलूचिस्तान में हो रही है, आप अपने देश का हाल क्यों नहीं बताते कि किस तरह के अत्याचार लोगों पर किए जा रहे हैं? आजादी उन्हें चाहिए और वो आजाद होकर रहेंगे, आजादी उन्हें चाहिए। बलूचिस्तान में आपने किस तरह का आतंक बचा रखा है, आप कभी दुनिया को बताइए ना। ये आतंक की जब कहीं कोई घटना होती है पूरी दुनिया में, कहीं भी कोई पूरी दुनिया में हामिद जी कहीं कोई घटना होगी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों उसका पाकिस्तान कनेक्शन ही निकल कर सामने आता है? लेडी अलकायदा का मामले का कनेक्शन जो अमेरिका में हमला हुआ पाकिस्तान से ही क्यों निकला? कनेक्शन क्यों नहीं निकला? आपके जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने ये वही प्राइम मिनिस्टर है ना जिन्होंने करोड़ों रुपए करोड़ों रुपए देने वाले आतंक फैलाने के लिए करोड़ों रुपए देने वाले। क्या संविधान कभी आपको अमेरिका
तो देखा आपने, ये आज भी उसी सपने में जी रहे हैं। खैर जीने दीजिए भाई, हर इंसान की अपनी अपनी इच्छा होती है अपने हिसाब से जीने की चलने की, तो ये भी कर लेने दीजिए, बच्चे हैं। खैर आपको ये वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। द ग्लोबल रिपोर्टर की वीडियोज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।